हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 दिसंबर 2019 की फिल्म्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो आई है ब्रेस्ट मिल्क बैंक के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ देखो, ये आई है अभी फैमिली एंड जो हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा नेशनल गाइडलाइंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर इन पब्लिक फैसिलिटी के तहत है ना ब्रेस्ट मिल्क बैंक की स्थापना है वो की गई है। अब ये ब्रेस्ट मिल्क बैंक है वो है क्या, ये हम देख लेते हैं। देखो, जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है और बच्चे का जन्म होता है तो स्टार्टिंग में जो दूध पिलाया जाता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के तहत उसमें होता है लैक्टस, और उसी के लिए बनाया गया है लैक्टेशन मैनेजमेंट। यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है स्टार्टिंग में तो जो लैक्टिक होता है, लैक्टोस होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, और उसी के लिए बैंक है उसकी स्थापना की जा रही है। होगा क्या, इन बैंकों में कोई भी महिला है वो ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क है वो डोनेट कर सकती है ताकि कोई भी जरूरतमंद ऐसा बच्चा हो जिसको ब्रेस्ट फीडिंग के दूध की जरूरत है वो उसे मिल सके। अब इसमें क्या है, इस बैंक में आप भी बोल सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इसमें 3 स्टेप रखी गई हैं। एक तो यहाँ पे वो है कॉम्प्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, सेकेंड जो इसका मेन पॉइंट पिलर है वो है यहाँ पे लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, और थर्ड है यहाँ पे लैक्टेशन सपोर्ट यूनिट। देखो, जो लैक्टेशन सपोर्ट यूनिट है ये क्या करेंगी कि जो स्तनपान है इसके लिए जो महिलाओं को अवेयर करवाना, कैसे कैसे वो कोई भी उनको डाउट्स वगैरह हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उनके बारे में उनको यहाँ पे गाइड है वो किया जाएगा। एक तरीके से उनकी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि काउंसलिंग टाइप की वो की जाएगी। सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, यहाँ पे क्या होगा, जो भी लैक्टेशन मैनेजमेंट के अंदर जो भी डोनर महिला ने दूध डोनेट किया है उसकी जांच वगैरह करके यूनिट स्थापित की जाएंगी और जरूरतमंदों को दूध है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो, होता क्या है, कई बार कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग के दूध है वो नहीं मिल पाता है तो बच्चे को वो स्तनपान नहीं करवा पाती है। उस कंडीशन में अगर कोई भी महिला ने मिल्क डोनेट किया है ब्रेस्ट फीडिंग का तो उस मिल्क का यूज है वो किया जा सकता है बच्चे की ग्रोथ के लिए या जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें स्तनपान प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये काम रहेगा इस सेकेंड पार्ट का, यहाँ बात करें लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट का। अब जो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है कॉम्प्रीहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, इसका काम क्या है, जो स्तनपान प्रबंधन का काम है वो सारा इसके द्वारा किया जाएगा। कोई भी महिला है वो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकती है अपने आप को और फिर ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क है वो डोनेट कर सकती है ताकि जरूरतमंदों को प्रोवाइड वो करवाया जा सके। तो इसके तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ये जो मैनेजमेंट सेंटर क्या करेगा, दूध को कलेक्ट है वो करेगा और फिर जहाँ भी जरूरतमंद बच्चे हैं छोटे उनको डिस्ट्रीब्यूट है वो किया जाएगा। देखो, यहाँ पे प्रोसीजर भी दी गई है कि डोनर मदर है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, इसके बाद में उसकी जाँच वगैरह की जाएगी और उसके बाद में जो मिल्क है वो डोनर महिला प्रोवाइड करवाएगी और फिर उसको एक टेस्टिंग वगैरह करवा के स्टोरेज किया जाएगा और उसके बाद में जो भी जरूरतमंद बच्चा है बेबी है उसको नीड के अकॉर्डिंग वो दूध है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसका देखो बेनिफिट क्या होने वाला है, इस बैंक का या इस इनिशिएटिव का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि हमारे देश में हम सब जानते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं और ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत से बच्चे हैं वो इस चीज़ से रह जाते हैं, तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से जैसे कि गाय हुआ बकरी इनका दूध प्रोवाइड करवा जाता है बचपन में, जो कि उनकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है जितना दूध है वो माँ का दूध अच्छा होता है। तो ये बैंक है उनको दूध प्रोवाइड करवाएंगे, इससे उनकी ग्रोथ है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है बच्चों में, एक ही बार बच्चों की जो मौत हो जाती है छोटे बच्चों की, उस कंडीशन में आप ऐसी प्रॉब्लम से निजात है वो पा सकते हो। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इंपॉर्टेंट चीज एक ये ध्यान रखना कि भारत में जो पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1989 में मुंबई में। बस ये ध्यान रखना कि भाई अभी स्थापित नहीं किया गया, 1989 में पहला बैंक सेटअप कर दिया गया था, बट अभी गवर्नमेंट है वो एक बड़े लेवल पे इन बैंकों की तरफ फोकस है वो कर रही है। अब बात ये करते हैं कि इंडिया ने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या फिर स्तनपान को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन से इनिशिएटिव को प्रमोट है वो किया है। तो देखो, गवर्नमेंट के 2 इनिशिएटिव हैं, एक तो है माँ, माँ इनिशिएटिव का मतलब है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये देखो एक नेशनल वाइड प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, बच्चों को कैसे कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, अगर किसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका क्या क्या सोल्यूशन है, सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत इंक्लूड है वो की जाती हैं। सेकेंड जो प्रोग्राम है वो नॉर्वे की गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसका नाम है यहाँ पे वात्सल्य मातृ अमृत कोष। ये ध्यान रखना, नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है या फिर आप 500 राइटिंग में वैल्यू एडिशन के तौर पर भी इसका यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में।
PMMVY। देखो प्रधानमंत्री मातृवंदन है वो स्टार्ट हुई थी 2014 में। अभी न्यूज़ ये आई है कि इस स्कीम को लगभग 4 साल हो गए, बट अभी इस स्कीम में काफ़ी सारी खामियां देखी जा रही हैं। तो पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ये स्कीम है क्या, फिर हम एक दो जो खामी है उनको भी कवर करेंगे। देखो गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी 2010 में, गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, और फिर इसी स्कीम को थोड़ा मॉडिफिकेशन या चेंजेस करके 2014 में इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये स्कीम किसके लिए है। ये देखो जो स्कीम है वो मेटर्निटी बेनिफिट यानी कि मातृत्व सहयोग के लिए स्कीम है, वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है, वो की गई थी। पुरानी स्कीम का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसके बाद में 2014 में इसका नाम चेंज करके और कुछ इसमें और चेंजेस करके स्कीम का नाम है वो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कर दिया गया था। अब स्कीम के कुछ फैक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये है कि एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला या कोई भी लैक्टिंग वुमेन, लैक्टिंग वुमेन का मतलब जो कि बच्चों को स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, वो दोनों ही तरह की महिलाएं इस स्कीम में शामिल अपने आप को कर सकती हैं। होगा क्या, इस स्कीम में उनको पार्शियल वेजेज कंपनसेशन दिया जाएगा। क्या है पार्शियल वेजेज कंपनसेशन वो हम देखते हैं। देखो कोई भी ऐसी महिला जो कि कोई इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, अगर वो बच्चे की डिलीवरी करती है तो उसको कोई बेनिफिट खास मिलता नहीं है। ऐसे में ये जो स्कीम है ये क्या करेगी, उनको जो भी भाई लॉस हो रहा है, मतलब जैसे कि कोई महिला जॉब कर रही है किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट का मतलब इनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात यहाँ पे की जा रही है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर की, तो उसको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे में महिला को कुछ ना कुछ तो पैसे मिले ना, ताकि वो अपनी देखभाल वगैरह भी कर सकें, और जो भी उसका वेजेज का लॉस हो रहा है उसका उसको भरपाई तो नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ तो मुआवजा मिले। इसके लिए इस इनिशिएटिव के तहत ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। इस स्कीम में देखो टोटल 5,000 रुपये है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है 3 किस्तों में, मतलब 3 EMI में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस लिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन वगैरह है, फीडिंग वगैरह के लिए जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो कलेक्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं जो 5,000 रुपये हैं 3 किस्तों में दिए जाएंगे कौन कौन से। पहली सबसे पहली किस्त वो दी जाएगी जब प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन वो करवा दी जाएगी कि हाँ भाई महिला प्रेगनेंट है, उसमें पहली कंडीशन। इसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन है, बच्चे की बर्थ होती है इसके टाइम पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, चेकअप वगैरह करवाए जाएंगे, उस टाइम पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो करवाई जाएगी जब बच्चे का पहला वैक्सीनेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके 3 किस्तों में टोटल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना आप क्लियर, कि प्रधानमंत्री जो मातृवंदना योजना है इसमें गवर्नमेंट सिर्फ 5,000 रुपये दे रही है, बट एक गवर्नमेंट की स्कीम और है जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। इसमें क्या होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो गवर्नमेंट 1,000 रुपये है वो प्रोवाइड करती है महिला को, तो कुल मिला के टोटल 6,000 रुपये मिल रहे हैं, बट प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत केवल 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल तो बेनिफिट है वो टोटल 6,000 का मिल रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जननी सुरक्षा योजना के मिल रहे हैं 1,000 रुपये तो, और 5,000 रुपये मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के। तो ये चीज थोड़ी क्लियर हो आपको रखनी है, क्योंकि काफी सारी बुक्स हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसमें 5,000 रुपये है, तो वो कन्फ्यूजन यही है कि 5,000 रुपये तो इस स्कीम के तहत है और 1,000 रुपये ये दूसरी योजना है इसके तहत प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्कीम वो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वगैरह है। देखो यह जो स्कीम है ना वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो स्कीम होती है वो दो टाइप की होती है नॉर्मली, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें सारा पैसा है यानी 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा स्टेट को देना होता है। अब देखो यूटीज वगैरह इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी क्योंकि यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है डायरेक्टली। तो जैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है कि नॉर्मल जो स्टेट है वहाँ पे 60% जो पैसा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट देंगे। इसी के साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और फिर जो हिमालयन स्टेट हैं वहाँ पे 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना होगा, और जो यूटी बची वहाँ पे 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अब हम ये देखते हैं कि इस स्कीम के भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कि 4 साल हो गए इस स्कीम को, बट प्रॉब्लम देखो ये आ रही थी कि स्टार्टिंग में जब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, इसमें काफ़ी धांधलेबाजी देखने को मिल रही है कि जो हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि ब्राइब है या रिश्वत ली जाती है रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए, उनको टाइम पे पैसे नहीं मिल पाते हैं, काफ़ी सारी कमियाँ हैं। तो इन चीज़ को लेके अभी गवर्नमेंट के सामने कुछ रिपोर्ट आई है, तो गवर्नमेंट कुछ और नए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट जो मिशन है वो है जग्गा मिशन।
देखो जग्गा मिशन है वो उड़ीसा का एक लाइवेबल हैबिटेट मिशन है। मतलब क्या है आवासीय, आप ये बोल सकते हो कि हैबिटेट यानी आवास को सुरक्षित रखने के लिए मिशन लाया गया है। कहाँ का ये? उड़ीसा का है। ये चीज आप थोड़ी क्लियर रखना। अब हम बात ये करें कि इस स्कीम के कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं। देखो ये जो स्कीम है वो उड़ीसा के अंदर एक सोसाइटी के तहत स्टार्ट की गई है। जग्गा वहां पे एक सोसाइटी है जो कि उड़ीसा में जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना उसके अंडर आती है। एक सोसाइटी है जग्गा नाम की, उसके द्वारा ये मिशन है वो जारी किया गया है। न्यूज अभी एक रिसेंटली आई है कि इंडिया में भी इस जग्गा मिशन को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है इंडिया जियोस्पेटियल एक्सलेंस अवार्ड। तो ये ध्यान रखना ये अवार्ड इसको सम्मानित किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं कि स्कीम है क्या और क्या क्या इसके बेनिफिट है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिला जग्गा मिशन को जिसका नाम है यहाँ पे वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। तो ध्यान रखना अभी रिसेंटली जग्गा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसीलिए न्यूज है वो आई है। दूसरा जो इसका सम्मान अवार्ड है वो इंडिया की गवर्नमेंट से मिला है जो है यहाँ पे इंडिया जियोस्पेशल एक्सलेंस अवार्ड। तो अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इस स्कीम के। देखो जग्गा मिशन का या इस स्कीम का मेन टारगेट ये है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना वहाँ पे जो भी स्लम एरिया है जिनको प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। एक तरीके से सिंपल वे में बोलें तो जो भी स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं या काफ़ी मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो कच्ची बस्तियां हैं स्लम एरियाज हैं वहाँ पे उनकी जो लाइवहुड है आजीविका है इसको डेवलप करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उनकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उन सबको प्रोवाइड करवाने के लिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए लाइवहुड जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करवाने के लिए इस मिशन की स्टार्टिंग है वो की गई है। तो अभी वर्ल्ड लेवल पे भी इसको सम्मानित है वो यहाँ पे किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब हम छोटा सा ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड क्या है। देखो ये जो अवार्ड है ना वो यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हैबिटेट। इस संस्था के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो वर्ल्ड हैबिटेट ऑर्गेनाइजेशन है ना ये यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के साथ मिलकर काम करती है तो इसीलिए इसकी वैल्यू और ज्यादा इंपॉर्टेंट या बढ़ जाती है। हर साल इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है कोई भी इनोवेटिव या फिर आउटस्टैंडिंग या फिर कोई क्रांतिकारी ऐसा आइडिया प्रोजेक्ट होता है जो कि मतलब एक तरीके से बहुत ही हटके है लीक से कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है उस तरह के अवार्ड प्रोजेक्ट वगैरह को इस सम्मानित मतलब इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो अभी उड़ीसा की स्कीम को इस मिशन को सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो यहाँ पे आया है महाराष्ट्र और तेलंगाना की बाउंड्री पे दो टेम्पल है गुफा टेम्पल या बोल सकते हो केव टेम्पल जिनका एक का नाम है यहाँ पे जग्गूबाई केव टेम्पल और दूसरे का नाम है यहाँ पे कल्पाई केव। इनकी देखो सिग्निफिकेंस है वो वहाँ की कुछ ट्राइब्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है या आप बोल सकते हो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट ये तीर्थ स्थल है। कौन कौन सी ट्राइब है वहाँ पे? एक है गोंड ट्राइब, दूसरी है प्रधान और तीसरी है कोल्लम ट्राइब। तो हम इन ट्राइब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ एक ये ध्यान रखना कि ये जो टेम्पल है जग्गूबाई गुफा टेम्पल और इसी के साथ ही कल्पानी केव ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र और तेलंगाना की बाउंड्री वाले एरिया में है। सिग्निफिकेंस कौन सी ट्राइब के लिए वो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे टाइटल है वो कल के आर्टिकल रह गया है। देखो एक तो देखते हैं हम कोल्लम ट्राइब। जो कोल्लम जनजाति है वो महाराष्ट्र के जो कोलावर वाला हिस्सा है वहाँ पे एक शेड्यूल ट्राइब है। अब ये जो ट्राइब है ये आंध्र प्रदेश में भी रहती है, छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी रहती है। यानी कि महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रीजन में नॉर्मली ट्राइब पाई जाती है या हम बोल सकते हैं कि मिडिल जो इंडिया वाला हिस्सा है उसमें पाई जाती है। इसकी जो लैंग्वेज है उसका नाम है कोमली जो कि यहाँ की एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि जो द्रविड़ियन लैंग्वेज है इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो कोलम ट्राइब है इसमें मोनोगेमी को प्रमोट है या मोनोगेमी की पालना की जाती है यानी कि एक ही विवाह की आपको एक ही पत्नी रखनी है एक ही पति रख सकने की जो प्रथा है इसको फॉलो किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कोलम ट्राइब है ना इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में शामिल किया गया था 2018 में। तो एक तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि कोलम ट्राइब है वो क्या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में आती है? तो जी हाँ बिल्कुल ये आती है। दूसरी ट्राइब है यहाँ पे गोंड ट्राइब। जो गोंड ट्राइब है वो आती है छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल में मतलब काफी स्टेट में यह फैली हुई है। आप मोटे तौर पर अगर हम बोलें तो यह जो ट्राइब है वो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा जो रेंज है इसके बीच वाले हिस्से में नॉर्मली पाई जाती है। फिर तीसरी जो ट्राइब है उसका नाम है यहाँ पे प्रधान ट्राइब। देखो तो जो प्रधान या प्रीधान जो ट्राइब है ना ये गोंड ट्राइब का ही एक सब ग्रुप है मतलब गोंड ट्राइब से ये ट्राइब है वो निकली हुई है जो कि सेंट्रल एशिया में पाई जाती है और मेजोरिटी जो इस ट्राइब की है प्रिधन ट्राइब की
वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब हो कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है कि पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब है वो कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है GIMS, यानी कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। देखो जिस तरीके से हम व्हाट्सएप या वो हम बात करें तो टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन का यूज करते हैं ना, इसी तर्ज पे सेंट्रल गवर्नमेंट या हम बात करें हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो एक मैसेज प्लेटफॉर्म है वो डेवलप करने की सोच रही है और उसको डेवलप भी किया जा रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि देखो जैसे हम जानते हैं कि व्हाट्सएप ये जो जैसे मैसेजिंग एप्लीकेशन है ना, ये बाहर की कंपनियों के हैं, तो कहीं ना कहीं डाटा चोरी करने का काफी सारा इश्यू है वो रहता है। और अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया व्हाट्सएप पे कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्यों ना हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, या बोल सकते हो किसी और भी तरह के एम्प्लॉय है, उनकी जो भी बीच में आपस में बातचीत होती हो या चैटिंग वगैरह कुछ भी हो रही हो, उसको एक सिक्योर वे प्रोवाइड करवाए जा सके और बाहर से हैकिंग वगैरह ना हो, इसके लिए वो इंडिया के ही गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है। तो ये जो मैसेज प्लेटफॉर्म है या बोल सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है वो डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा, जो कि हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट IT सेल है। ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे देश के जो भी इंप्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंट्रा और जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, उनके लिए एप्लीकेशन खुला रहेगा। मतलब आम जनता के लिए एप्लीकेशन नहीं बनाया जा रहा है, ये केवल हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इनके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। बेनिफिट क्या है, एक तो जो भी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं काफी बार, क्योंकि भाई जो फॉरेन के कंपनी है जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह हो गई है, ये अपनी मनमर्जी करती हैं, कई बार डाटा का मतलब मिसयूज करती हैं, तो ऐसे चोरी वगैरह वो यहाँ पे कम हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की जो इसमें है वो काफी अच्छी सिक्योरिटी रहेगी, जैसे कि एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है वो इसमें यूज किया जाएगा, इसी के साथ ही वन टू वन मैसेजिंग सर्विस है इसको प्रमोट इसमें किया जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है वो है क्या, किसके लिए ओपन रहेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है क्रिस्टल अवार्ड के बारे में। देखो न्यूज अभी इसलिए आई है कि जो 26वां एनुअल क्रिस्टल अवार्ड है वो 2020 के लिए भी डिक्लेयर है, वो अनाउंस है, वो किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रिस्टल अवार्ड है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सम्मानित या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक आर्म है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड आर्ट फोरम, इसके द्वारा इस अवार्ड को होस्ट है वो किया जाता है। अब बात यह आ गई कि भाई ये अवार्ड दिए किसको जाते हैं। देखो ये जो अवार्ड है ना वो कोई भी ऐसा कलाकार हो या फिर कोई भी ऐसी सांस्कृतिक हस्ती हो जो कि काफी पॉपुलर हो, या जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो इंक्लूसिव ग्रोथ है इसको लेके कुछ अच्छा काम कर रही हो, मतलब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल जो भी चेंजेस हैं इनको लाने के लिए अच्छा काम कर रही है, उस हस्ती को इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज, अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेस्ट मिल्क बैंक के बारे में डिस्कस किया, इसी के साथ फिर हमने गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं जैसे कि माँ इनिशिएटिव और जो वात्सल्य मातृ अमृत कोष के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में डिस्कस किया, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को कवर किया, इसी के साथ हमने जग्गा मिशन के बारे में डिस्कस किया, उड़ीसा का जग्गा मिशन काफी इंपॉर्टेंट था, फिर हमने यहाँ पे वर्ल्ड हैबिटेट डे को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड को डिक्लेयर को मतलब डिस्कस किया, इसी के साथ हमने जो जग्गू बाई कैम्प जो केव टेम्पल है वो और यहाँ पे कल्पाई केव के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने जो कुछ ट्राइब्स ग्रुप हैं जैसे कि कोल्लम ट्राइब, गोंड ट्राइब और परिधान ट्राइब है, इनके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ हमने गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में डिस्कस किया, जिसका नाम है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। लास्ट में हमने क्रिस्टल अवार्ड के बारे में डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।